हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो ये है AU बैंक का डेबिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि इसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कैसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इस कार्ड को तो सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑन करना होगा, तभी आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर पाएंगे। तो बैंक जब इस कार्ड को डिस्पैच करती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑफ करके भेजती है, साथ ही साथ इसके जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसको भी ऑफ करके यहाँ सेंड करती है, डिस्पैच करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इसको हम खुद से कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक डेबिट कार्ड है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको AUBank.in यानी कि इसका AU बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में हमें आ जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का आपको इंटरफेस आपको ओपन होकर आ जाता है। यहाँ डेबिट कार्ड सर्विसेज आपको देख लेना है। तो आपको डेबिट कार्ड सर्विसेज में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का ओपन होकर आपके सामने में देखने को मिल जाता है। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनेबल और डिसेबल कार्ड ट्रांजेक्शन एट योर कन्वीनियंस, मतलब आप आपके हिसाब से इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। तो सारे जिसके जो कार्ड के फीचर्स हैं सबको यहाँ आपके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको नो मोर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से लोडिंग लेगा तो हमें थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको एंटर कर देना है। चलिए मैं कस्टमर आईडी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कस्टमर आईडी मैंने डाल दिया है। यहाँ से सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ओटीपी हमें रिसीव हो गया है। चलिए मैं ओटीपी यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ से आपको ओटीपी एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ कन्फर्म कर देना है। तो ये मैंने कन्फर्म कर दिया। तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आपका जो है कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है, आपका जो भी डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे जब भी आपका कार्ड जो है डिस्पैच कर दिया जाता है बैंक के तरफ से कुरियर या स्ट्रीट पोस्ट के थ्रू, तो यहाँ आपको जो है ATM यूज़ और पॉइंट ऑफ सेल, यही दोनों बस एक्टिवेट रहता है। बाकी सारे ट्रांजेक्शन, चाहे कॉन्टैक्टलेस हो, चाहे ऑनलाइन ई कॉमर्स, जो भी आपका यूज़ है, यहाँ से सारे डिटेल्स यहाँ से ऑफ कर दिए जाते हैं। सिर्फ डोमेस्टिक ATM यूज़ और पॉइंट ऑफ सेल का ही यहाँ आपको बैंक के तरफ से ऑन करके यहाँ डिस्पैच कर दिया जाता है। बाकी सारे इंटरनेशनल यूजेस तो यहाँ ऑफ ही रहते हैं, यहाँ बैंक ऑलरेडी यहाँ से ऑफ करके भेज दिया जाता है। तो हमें करना यह है कि हमें जो है इस कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करना है। तो हमें जो है ऑनलाइन यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर ई कॉम ऑनलाइन यूसेज यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऑनलाइन हम यूज़ कर पाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको ऑन कर देना है। ये हमने ऑन कर दिया। तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ ध्यान रहे, कोई भी आपका यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ये ऑफ ही रखना है। तो चलिए मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं ई कॉम या ऑनलाइन को यहाँ ऑन करके रखा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। ये मैंने कन्फर्म कर दिया, प्रोसेसिंग हो रहा है, इस तरह से देखने को मिल। तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, थैंक यू डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद AU बैंक। इस तरह का आपको फाइनली आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट में यहाँ एक्टिवेट हो चुका है हमारा डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिए।